वृश्चिक राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें, भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं है। भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। जी हां दोस्तों, और अब चिंता छोड़ो और इस वीडियो को आज अंत तक ध्यान से देख लो। जो खुशखबरी लिए लेकर आया हूं, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसी घटना आप सभी के जीवन काल में कभी होगी। बस आप भगवान से इतना कहेंगे, धन्य हो प्रभु, आप अपने तो हमारे मन की इच्छाएं पूरी कर दी। हमें जिस चीज की उम्मीद आपसे थी, आपने हमारा वह उम्मीद पूरा कर दिया। जी हां दोस्तों, बस आप आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिए, तभी यह सब हो पाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा। माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके परिवार वालों को प्राप्त होगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें, जिस तरह रात की बात सुबह होती है, जिस प्रकार हर एक सूरज डूबने के बाद अगली सुबह एक नया सवेरा होता है, दोस्तों अब आप सभी के जीवन में कुछ ऐसा ही होने वाला है। अपने अपने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, बहुत बुरे दिन देखे हैं, लेकिन दोस्तों अब भगवान आपको अच्छा दिन दिखाने वाले आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। दोस्तों, आप सपने में भी नहीं सोचोगी ऐसे खुशखबरी यहां से मैं आप सभी को मिलने वाली है। महाबली हनुमान जी, धन की देवी माता, लक्ष्मी कुबेर महाराज और माता दुर्गा आप सभी के जीवन में मेहरबान हो चुकी है। जी हां दोस्तों, अब यह देवी देवता आप सभी को जीवन को बदल कर रख देगी दोस्तों। लेकिन आप वीडियो को बस शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जो बात बताने वाले हैं, इन बातों के बारे में आपको पता होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तभी दोस्तों आपको सफलता की चाबी मिल पाएगी, तभी आप महाबली हनुमान जी, माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज मां दुर्गा की इन संकेत को समझ पाएंगे, तभी आप उनकी रास्तों पर आगे बढ़ पाएंगे। अब यह 4 देवी देवता आपको क्या देना चाहता है और आखिर क्यों आप सभी के जीवन में ऐसी घटना होने वाली है और क्या क्या घटना होने वाली है और उनके लिए आपको अपने जीवन में क्या सावधानी रखनी है, कौन से कार्य और कौन से उपाय आपको करना चाहिए, समस्त जानकारी ग्रह गोचर के आधार पर आधारित है और इसकी पूरी जानकारी आप सभी को न बहुत ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, यह सब जानकारी यदि आपके पास होगा तो आने वाले 3 दिनों के अंदर जो भी ग्रह गोचर का मौका आप सभी की किस्मत में आने वाला है, आप उनका भरपूर लाभ उठा पाएंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि 500 वर्षों के बाद ऐसा भाग्यशाली और अद्भुत संयोजन बन रहा है। जी हां दोस्तों, और आपके जीवन में पहली बार ऐसी घटना होगी दोस्तों। वह कहते हैं ना, भगवान के घर देर भले ही होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है, और भगवान जो भी करती है वह अच्छे के लिए ही करते हैं। भले ही आपकी जिंदगी में थोड़ा सा दुख दर्द कष्ट आया है, लेकिन दोस्तों पहले समय आपने जो भी दुख देखा है वह आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही कष्टदायक था, चिंता भरा था, पर आपको अच्छे और बुरे इंसानों का भी पता चला। आप यह बात अच्छी तरह से जान गए कि कौन इंसान आपका अपना है और कौन इंसान आपका अपना बनने का नाटक कर रहा है। जी हां दोस्तों, इस कलयुग में हर एक इंसान आपसे अपनापन दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में कौन अपना है यह तो वक्त ही बताता है। जी हां दोस्तों, और यह चीज आपको पता भी चल गया है, इसीलिए दोस्तों कहते हैं भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। भले ही हमें आज बुरा लग रहा है कि है प्रभु हमारे साथ यह क्या हो रहा है, लेकिन कल हमें यह भी लगेगा कि भगवान का लाख लाख शुक्र है जो हमारे साथ यह घटना हो गया, हम बहुत बड़े मुसीबत से बाहर आ गए। जी हां दोस्तों, अपने जीवन में अच्छा कर्म किया है, अपने जीवन में हमेशा ईश्वर के ऊपर विश्वास किया है, और दोस्तों आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर यह देवी देवता आपके नजदीकी मंदिर में आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, जिस भी देवता को आप पूछते हैं, जैसे कि महाबली हनुमान जी को यदि आप पूजा करते हैं, उसे पर भरोसा करते हैं, तो आने वाले 3 दिनों के अंदर आपके नजदीकी मंदिर में जहां आप जाते हैं पूजा करने, वहां पर महाबली हनुमान जी आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, माता दुर्गा की यदि आप पूजा करते हैं, उसे पर भरोसा करते हैं,
कुबेर महाराज जी की पूजा करते हैं और धन की लक्ष्मी माता पर यदि आप भरोसा करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, यह देवी देवता नजदीकी मंदिर में आने वाले हैं। यदि आप अपने घर में ही इसकी पूजा करते हैं तो याद रखिएगा, आपके घर में ही हर देवता आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उनके संकेत को आपको समझना होगा, और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि आशा में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि जो गलत थी इंसान करता है उसे कुछ ना कुछ वह अवश्य ही सकता है। तो आपको यह बात पता चल गया होगा कि जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है, जब भी आप अपने जीवन में खुश होते हैं, तब तक आप सभी के दुश्मन कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर करता है, आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसे कार्य करता है जिससे आपका जीवन से खुशियां लौट कर चली जाती हैं, यानी कि आपके कार्यों में वहां मुसीबत खड़ी कर ही देते हैं। इसीलिए दोस्तों आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान भी रखना होगा और कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी करने होंगे, जिससे आप सभी के जीवन में छोटे मोटे जो भी रुकावटें हैं वह समाप्त तो होंगे ही, साथ ही साथ यह 4 देवी देवता आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान होगा, बहुत ज्यादा प्रसन्न होगा और आप सभी को मालामाल कर देगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि ईश्वर जब भी अपने भक्त के ऊपर मेहरबान होते हैं तो वह उनके जीवन में खुशियां लाने के लिए मेहरबान होते हैं, क्योंकि वह जब मेहनत करता है तो वह ईश्वर के ऊपर विश्वास करता है और पूरे विश्वास के साथ ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर हमें कार्य कर रहे हैं, हम यह उपाय कर रहे हैं, हमारे जीवन में सुख और समृद्धि भर देना, व्रत और पूरे लगन के साथ मेहनत के साथ अपने कार्यों में लग जाता है और जब उसे फल नहीं मिलता है तब वह ईश्वर से गुहार लगाता है कि हे भगवान आखिर हमारे साथ यह कैसा अनर्थ हो रहा है, हमने जो कभी किया नहीं उसका भी सजा हमें मिल रहा है, प्रभु अब तो हमारा कल्याण करो, ऐसा भक्त अपने मन में प्रतिदिन भगवान से बोलते हैं और भगवान उसकी जरूर सुनते हैं। और दोस्तों आप भी निश्चल स्वभाव के इंसान हैं, आपने आज तक जो भी किया है वह सही मार्ग को दर्शाता है, भगवान के भक्ति मार्ग को दर्शाता है, अपने भगवान का प्रचार प्रसार बहुत किया है, भक्ति के नाम पर आपने कभी ऐसा नहीं किया कि 2-4 रुपया का दान आप नहीं किए हैं, लोग आपको एक बार कह देते हैं तो आप तुरंत ही खड़े हो जाते हैं, आप पीछे नहीं हटते, क्योंकि आपको ईश्वर के ऊपर बड़ा भरोसा है कि देने वाला वही है और लेने वाला भी वही है, तो हम बीच में क्यों अपना मनमानी करें। जी हां दोस्तों, और आपने जो मेहनत किया है, जो संघर्ष किया है और जो ईश्वर की भर्ती आपका भावना है, इन्हीं सब को देखकर यह ब्रह्मांड के 4 देवी देवता मेहरबान हुए। और दोस्तों यह आपके जीवन में आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर आपको संकेत देने वाले हैं, तो उन सके तो आपको समझना है और कुछ कार्य और उपाय भी करना है, कुछ बातों का भी ध्यान रखना है, इन सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आप सभी का लव लाइफ, स्वास्थ्य केयर, पारिवारिक जीवन, शिक्षा और बिजनेस व्यापार का क्षेत्र कैसा रहने वाला है, इन सभी क्षेत्रों में या 4 देवी देवता कौन कौन से बड़े बदलाव करने वाले हैं, कौन कौन से चमत्कार करने वाले, सभी के बारे में एक एक करके विस्तार से जानकारी आप सभी को देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, एक भी जानकारी यदि आप मिस कर दोगे तो ईश्वर के बहुत बड़े मौके से आप छूट जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दिव्य शक्ति साक्षात नहीं आते हैं, यह कलयुग है, यहां भगवान संकट के द्वारा ही अपने भक्ति से बात करते हैं, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि कैसा संकेत मिलेगा। सबसे पहले आपको अपने जीवन में पूरा विश्वास करना है कि भगवान आपके जीवन में आ रहे हैं और यह बात किसी को भी नहीं बताना है। जी हां दोस्तों, यदि आने वाले अगले 24 से 48 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन में कोई ऐसा पक्षी आता है जो आपके आंगन में आते हैं या फिर आपकी छत पर आकर बोलते हैं दाना खाता, आंगन से, तो आपको मानना है कि ईश्वर का कदम आपके जीवन में पड़ने वाला है और भगवान आपसे परेशान है। दोस्तों यह संकेत इसलिए अति प्रिय होता है कि जब भी हमारे जीवन में ग्रह गोचर शुभ होते हैं तो हमें अच्छे फल मिलने वाले होते हैं, तो ऐसा जरूर ही संकेत होता है जो भगवान हमें देते, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा संकेत है दोस्तों, कोई अनजान व्यक्ति
यानी कि कोई अजनबी व्यक्ति यदि आपके द्वार पर आ जाता है और आपसे कुछ मांगते हैं तो आप उसे अनजान बिल्कुल भी ना समझें, क्योंकि वह महाबली महाबली शैली बजरंगबली का रूप होगा। बजरंगबली का शक्ति महान है, वह रूप बदलकर अपने भक्त के द्वार पर कभी भी आ सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, वह अजनबी व्यक्ति यदि आपसे कुछ दान मांगता है तो आप अपने इच्छा के अनुसार दान पुण्य जरूर कीजिएगा। अगला संकेत है कीड़े मकोड़े के रूप में। जी हां दोस्तों, यदि आपके घर में चींटी आते हैं, चींटी एक लाइन से आती है, तो आपको समझ जाना है या ब्रह्मांड की देवी देवता है जो आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं। और यदि आपके घर के किसी भी कोने में मकड़ी के जाली एक रात के अंदर लग जाता है तो यह बात का भी संकेत है कि आपके जीवन में दिव्य शक्ति आ रही है। तो यदि आप अपने घर में इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो इसे आप भगवान के संकेत को नजरअंदाज कर रहे हैं, इसलिए अपने घर के चार एक कोनों में अच्छे से ढूंढें। यदि आपको ऐसा संकेत मिलता है, ऐसा नौकरी का जाली दिख जाता है, तो उसे तोड़ना नहीं है जब तक वह अपने आप टूट नहीं जाता। जब टूट जाए तब उसे आप बाहर फेंक दें, यह आपके लिए सबसे अच्छा होगा। बहुत सारे लोग जाने अनजाने में ऐसी गलती कर देते हैं, मकड़ी की जाली एक रात में लग गए और वह सुबह ही उसे हटा देते हैं। ऐसी उसके घर में जो भी बरकत आती है, जो भी अच्छे कार्य होते हैं, जो भी शुभ घटना होने वाली होती है, वह तुरंत ही रुक जाता है। तो दोस्तों, इन संकेतों को पहचानें और ऐसा गलती आप भूल कर भी ना करें, क्योंकि दोस्तों आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आप सुबह के जीवन में ब्रह्मांड की 4 देवी देवता मेहरबान हो चुके हैं और आपको बड़ी मुश्किल भरी देने वाले हैं दोस्त। लेकिन इसके लिए आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन में कौन कौन से बड़ी घटना होने वाली है, आप सभी का लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य केयर, पारिवारिक जीवन, अन्य सभी अस्त्र पर आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी और कौन कौन से बड़े चमत्कार देखने को मिलेंगे, सारी बात एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप ध्यान से देखिएगा। अब बड़ा बदलाव आपके जीवन में होने वाला है और यह बदलाव कोई भी इंसान रोक नहीं सकता है। यदि आप इस मौके को छोड़ देंगे तो आपसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह समय आप सभी की कुंडली में महालक्ष्मी धन वृद्धि भाग्यशाली और सुख समृद्धि जैसे बड़े योग बन रहे हैं और उसके साथ साथ 2 धन योग और 3 राज्यों का निर्माण आपकी कुंडली में होने वाला है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि लास्ट में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिम आपको 1 भी रुपए नहीं लगेंगे, बदल देंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, इसमें ग्रसितारी जो संकेत दे रहे हैं और बहुत ही भाग्यशाली है, लेकिन आपको कुछ जगह पर सावधान रहना होगा, जैसे कि हर समय आपके कार्य क्षेत्र में चौगुनी तरीके से लाभ होने वाला है, लेकिन कुछ ऐसे खर्चे भी आपके सामने आने वाले जो बेफिजूल के होने वाले हैं, इसलिए ऐसी जगह पर आपको बिल्कुल ही सावधान रहना होगा, नहीं तो आगे चलकर आप पछताओगे। आज आपको यह अनुभव करने की जरूरत है कि अतीत से चिपके रहने से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपको अपने अतीत से सीखना जरूर है, परंतु उसे पकड़े रहने से बात नहीं बनेगी। अगर आप आज यह समझ पाने में कामयाब हो जाते हैं तो पिछले कुछ समय से आपके जीवन में चली आ रही बद्धी समस्याओं को सुलझाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा। आज आपको स्वास्थ्य संबंधी छोटी दिक्कतें हो सकती हैं जिनसे आपका स्वास्थ्य आंशिक रूप से प्रभावित होगा, लेकिन इससे आपको ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको ठंड, सामान्य खांसी आदि हो सकते हैं। माचिस जलाते हुए भी सावधान रहें, थोड़े से सावधान रहने भर से आप खुद को काफी परेशानियों से बचा सकते हैं। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें। आज का दिन आपके कार्यक्षेत्र एवं परिवार के बीच संतुलन रहेगा। पिछले कुछ दिनों से आपको दोनों तरफ काफी ध्यान देना पड़ रहा है क्योंकि यह समय की जरूरत थी, लेकिन आज ऐसा करने में मुश्किलें आएंगी। हो सकता है कि समय के मुताबिक आपको दोनों में से एक को चुनना पड़ रहे। हालांकि अभी काम के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना अच्छा रहेगा, लेकिन साथ ही साथ अपने परिवार के साथ भी आपको चतुराई एवं विनम्रता से पेश आना होगा ताकि कुछ हद तक संतुलन बने। उद्यम पूंजीपतियों के लिए आज का दिन शुभ हो सकता है। लोग आपकी विचारधारा से प्रभावित होंगे, लेकिन अपनी बातों को उनके ऊपर न थोपे। हालांकि आपको धन मिलने में देरी हो सकती है, परंतु ये धन आपको मिलने की उम्मीद है। छोटी छोटी परेशानियां और असहमतियां दिन भर सामने आती रहेंगी।
आपको इन छोटी छोटी बातों की उपेक्षा कर देनी है, नहीं तो आप अपनी मानसिक शांति को नष्ट कर लेंगे। अपनी समस्याएं किसी के साथ बांटने की कोशिश करें, आपको अच्छा अनुभव होगा। एकांत की गतिविधियां आज बहुत अच्छी रहेंगी। आपको आज यह महसूस होगा कि सेहत का संबंध शरीर की बजाय मन से अधिक है। आप इसे समझने के बाद अपनी चिंता तथा तनाव से छुटकारा पाने की दिशा में पहला कदम उठाएंगे और इससे न केवल आपका स्वास्थ्य बल्कि प्रवृत्ति में भी सुधार होगा। कोई प्रेरणादायक टेप सुने या आरामदायक मसाज की योजना बनाएं। त्वचा संबंधी छोटी समस्याएं जैसे मुहासे आदि आपको परेशान कर सकते हैं। आज का दिन अपने परिवार के मामलों में विशेष रुचि लेने के लिए महत्वपूर्ण है। आप कुछ समय के लिए अपने कैरियर की प्रतिबद्धताओं के कारण अपने रिश्तों की अनदेखी कर रहे थे। आपने अपने करियर में वह सब पा लिया है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की, परंतु अब अपने रिश्तों की ओर अपना ध्यान देने की जरूरत है। इस समय अपने रिश्तों का पोषण करना आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण घटक साबित हो सकता है। आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी प्रगति रुक सकती है। अगर आपने किसी भी गैजेट या कुछ रचनात्मक वस्तु का उत्पादन किया है तो उसे जल्द से जल्द उस पर कानूनी एकाधिकार करवा लें। लोग ये साबित करने की कोशिश कर सकते हैं कि ये वस्तु उन्हीं की है, हालांकि वास्तविकता में वे शायद ही कोई भी उत्पाद की एक प्रतिकृति के निर्माण में आपके करीब आ सकते हैं। लंबे समय के बाद आज आपको राहत महसूस होगी। किसी महत्वपूर्ण खबर से खुशी मिलेगी। यदि माता पिता हैं तो बेटे बेटी के लिए सुयोग्य वर मिल सकता है। किसी लंबित अदालती मामले का फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। करियर के मामले में छोटे से प्रयास से बड़ी सफलता मिलनी तय है। आज से जिंदगी वापस पटरी पर आती दिख रही है। प्रियजनों के साथ खुश रहें। पिछले कुछ दिनों से आप स्वास्थ्य की समस्याओं से लगातार परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप आज इनके लिए कोई संतोषजनक तरीका खोज पाएंगे। ध्यान रखें कि कोई भी तरीका समय तो लेता ही है। आपको धीरज तो रखना ही होगा, लेकिन यह भी तय है कि अगर आप नियमों का शीश ए पालन करेंगे तो काफी हद तक अपनी परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। इस समय यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने संबंध को निष्पक्ष होकर जांचें। क्या आप इसे अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं? इस समय आपको पाने पार्टनर की बजाय अपनी भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए और उस उलझन को दूर कर लेना चाहिए जो आपको सामान्य रूप से कई बार महसूस होती है। अब आपको फैसला कर लेना चाहिए कि आप अपने संबंध को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। कुछ समय से आपके व्यय बढ़ रहे थे, पर आज से आप इन सब में एक खुशनुमा बदलाव देखेंगे। आखिरकार आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपके खर्चे काफी हद तक नियंत्रण में आएंगे और माहौल बदलता हुआ सा नजर आएगा, जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी, पर आपको अत्यधिक सावधानी से आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में लिए गया हुआ कदम आपको पीछे की ओर धकेल सकता है, जिससे आपके धन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी के साथ दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन में कौन कौन से उपाय करना है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा सरल है, लेकिन इससे आप सभी के ऊपर यह देवी देवता अपना आशीर्वाद और कृपा बनाएंगे और आपके जीवन में जो भी छोटी मोटे बड़ा आपके दुश्मन लाते हैं वह सभी से आपको मुक्ति मिल जाएगा। चाहे पैसे की समस्या हो, कर्ज की समस्या हो, कुछ भी हो, सब कुछ आपको भूल जाना है। बस इन उपाय को एक बार ध्यान से कर लीजिए और कुछ ऐसे मंत्र में बताएंगे जो आपके लिए लाभ होंगे, लाभ को लेकर आएंगे। यह मंत्र चुंबक की तरह खींचेगी धन दौलत को, तो ध्यान से अंत तक देखिएगा दोस्तों। जब बजरंगबली, माता लक्ष्मी, कुबेर महाराज और माता दुर्गा प्रसन्न होते हैं तो जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते हैं। यह स्थिति ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद के प्रतीक होती है और इसका सबसे बड़ा संकेत यह होता है कि आपके जीवन के कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इन कठिनाइयों को पूरी तरह से समाप्त करने और अपने जीवन में बरकत को स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए आपको कुछ सरल उपाय करने चाहिए जो आपको भगवान और देवी देवताओं की कृपा से जोड़ते हैं। सबसे पहले आपको बजरंग बली की पूजा में विशेष ध्यान देना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति में सच्चाई, निष्ठा और समर्पण होना चाहिए। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही लाभकारी होता है। इससे आपके जीवन में जो भी शत्रु हैं वे अपने आप दूर होने लगते हैं।
हनुमान जी का स्मरण करने से आपके भीतर साहस और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, जिससे आप किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा बजरंग बली के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और आपके शत्रुओं का बल कम हो जाता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको अपने घर में स्वच्छता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्मी जी का वास हमेशा स्वच्छ और पवित्र स्थानों में होता है। घर के मुख्य दरवाजे पर रोजाना शाम को दीपक जलाएं और नियमित रूप से घर की साफ सफाई करें। इसके साथ ही लक्ष्मी जी को कमल का फूल अर्पित करना और उनके समक्ष शंख की ध्वनि करना अत्यंत शुभ होता है। इससे आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती और बरकत के द्वार खुलने लगते हैं। कुबेर महाराज की कृपा से घर में धन की तंगी समाप्त होती है। उनकी पूजा में आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि आपका मन और हृदय हमेशा पवित्र रहे। कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन उनके मंत्र AUM यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा का जाप करें। इससे आपके घर में धन का स्थायी वास होगा और आर्थिक परेशानियां दूर होने लगेंगी। माता दुर्गा की पूजा करते समय आप उनकी शक्ति और कृपा का अनुभव कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से आपके जीवन की कठिनाइयां समाप्त होती हैं और शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। माँ दुर्गा की पूजा में लाल फूल अर्पित करना और उनके चरणों में कुमकुम हल्दी और चावल अर्पित करना शुभ माना जाता है। माँ की आराधना से न केवल शत्रु दूर होते हैं बल्कि घर में शांति और समृद्धि भी आती है। जब इन चारों देवी देवताओं की कृपा होती है तो आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। इन सभी उपायों को अपने जीवन में अपनाने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जीवन के हर छोटे बड़े कष्ट दूर हो रहे हैं और आपके घर में बरकत आ रही है। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को करें। श्रद्धा और विश्वास के बिना कोई भी उपाय फलदायी नहीं होता। साथ ही आपको अपने घर और परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम और सहयोग बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जब परिवार में एकता होती है तभी ईश्वर की कृपा पूरी तरह से फलित होती है। जब जीवन में कर्ज का बोझ बढ़ जाता है और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो कुछ विशेष उपाय और टोटके बहुत कारगर साबित होते हैं। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूजा करें। इस पूजा में आपको लक्ष्मी माता के समक्ष 5 कौड़ियां और हल्दी से रंगी हुई चावल अर्पित करनी चाहिए। पूजा के बाद इन कौड़ियों को अपने घर के मुख्य तिजोरी या जहां आप धन रखते हैं वहां रखें। इससे धीरे धीरे कर्ज की समस्या कम होने लगेगी। कर्ज से मुक्ति के लिए एक और अत्यंत सरल उपाय है कि आप मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी के समक्ष नारियल अर्पित करें और उनसे कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन से कर्ज का बोझ हल्का होने लगेगा। साथ ही मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ और AUM हम हनुमते नमः का 108 बार जाप करें। यह मंत्र आर्थिक समृद्धि और कर्ज से मुक्ति दिलाने में सहायक माना जाता है। कर्ज से छुटकारा पाने का एक और शक्तिशाली टोटका यह है कि आप शुक्ल पक्ष के किसी मंगलवार को लाल कपड़े में 11 सिक्के बांधकर अपने घर के मंदिर में रखें और उनसे आर्थिक स्थिरता की प्रार्थना करें। इसके बाद उस लाल कपड़े को अपने तिजोरी में रख दें। इससे धीरे धीरे कर्ज समाप्त होने लगता है और आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। अब बात करते हैं वृद्धि के उपायों की। जीवन में प्रगति और समृद्धि के लिए आपको हर पूर्णिमा के दिन घर में माता लक्ष्मी के नाम से घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही अपने व्यापार स्थल या घर के उत्तर दिशा में एक जल का पात्र रखें, जिससे धन का प्रवाह बना रहे। दिशा को कुबेर महाराज की दिशा माना जाता है और वहां जल रखने से आर्थिक वृद्धि होती है। इसके अलावा शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करके काले तिल और सरसों के तेल का दीपक जलाकर प्रार्थना करने से भी वृद्धि और उन्नति के रास्ते खुलने लगते हैं। शनिदेव की कृपा से जीवन में बाधाएं दूर होती हैं और समृद्धि आती है। अब कुछ छोटे छोटे टोटके जो जीवन के अन्य कष्टों को दूर करने में सहायक होते हैं।
घर में बरकत के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे के समक्ष दीपक जलाएं और AUM महालक्ष्मीय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र लक्ष्मी जी की कृपा से घर में धन और समृद्धि का वास कराता है। साथ ही घर में ताजे फूलों का प्रयोग और सुगंधित धूप का उपयोग भी सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। अगर घर में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं तो हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के चरणों में नारियल चढ़ाएं और AUM हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें।